नमस्कार दोस्तों, आज मैं अमरूद के पत्ते के कुछ गुणकारी लाभ बताने जा रहा हूँ। अमरूद के पत्ते हमारे इस काफ़ी चीज़ में लाभ आते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ के लिए आते हैं और एंटी एलर्जिक भी होता है, एलर्जी में भी काफ़ी अच्छा काम करता है और ये मुहासे को भी ख़त्म करता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर एक है दोस्तों, बालों की ग्रोथ को बढ़ाएं। दोस्तों अमरूद की पत्तियों में बहुत सारा पोषण और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अमरूद की पत्तियों से हेयर फॉल प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। नंबर दो, मुहासे को दूर करें। जी हाँ, अमरूद की पत्तियों में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए अमरूद की ताज़ी पत्तियों को पीस कर आप अपने फेस पर लगाएँ, कुछ ही दिन में मुहासे गायब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों एलर्जी को दूर करें, क्योंकि एलर्जी से काफ़ी परेशानी होती है, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, दुनिया भर के पिंपल्स, दाने वगैरह वगैरह निकलते रहते हैं। दोस्तों एलर्जी में भी काफ़ी लाभदायक है अमरूद के पत्ते, और अमरूद की पत्ती किसी भी प्रकार की एलर्जी हो उसको ये ख़त्म करने में काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि ये उस वायरस को ख़त्म करता है जहाँ से एलर्जी उत्पन्न होती है। दोस्तों अमरूद के पत्तों से छाले भी ठीक होते हैं। अगर जो अमरूद के पत्ते पर कत्था लगा कर हम खाएँ तो हमारे छाले थोड़ी देर में सही हो जाएंगे। दोस्तों नंबर पाँचवा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाभदायक चीज़ है, क्योंकि युवाओं में अक्सर परेशानी होती है स्वप्नदोष की समस्या। तो दोस्तों इसकी पत्तियों को पीस कर इसका जूस निकाल कर उसमें अपने स्वादानुसार चीनी मिलाकर आप इसको सुबह शाम दिन में पीजिए, बहुत ही जल्दी आपका ये ठीक हो जाएगा स्वप्नदोष प्रॉब्लम। और दोस्तों लेडीज़ों में काफ़ी परेशानी होती है लिकोरिया की प्रॉब्लम, जो सफ़ेद पानी आता है, तो दोस्तों ये अमरूद की पत्तियाँ इनके लिए भी काफ़ी लाभदायक हैं। ये ताज़ी पत्तियों को पीस कर और उसका रस निकाल कर 10 से 20 ml सुबह शाम दोनों टाइम पिए, लिकोरिया में काफ़ी चमत्कारी है अमरूद की पत्तियाँ। दोस्तों अमरूद की पत्तियों का एक लाभ और है, जो कि हमारे पौड़ अवस्था यानी वृद्धावस्था में गठिया रोग प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। अमरूद की पत्तियों को कूट कर उसका पेस्ट बना ले, मतलब गीले टाइप में, तो और जहाँ पे थोड़ा हल्का सा उसको गर्म करके जहाँ पे प्रभावित स्थान है, जहाँ पे दर्द कर रहा है वहाँ पे लगाएं, बहुत ही जल्दी उस पर असर करता है। नमस्कार दोस्तों, अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अगर जो इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा।